प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सिवनी जिले की उड़ेपानी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उड़ेपानी में विशाल जनसभा को देख भारतीय जनता पार्टी की गलियारों में मचा हड़कंप। बीजेपी पार्टी से नाखुश व्यक्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिनांक 7/5/2023 को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के उड़ेपानी सिवनी आगमन पर समस्त जिला कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत वंदन किया। माननीय श्री कमलनाथ जी ने उपस्थित मंडलम सेक्टर बूथ व बीएलए के पदाधिकारियों को एवं उपस्थित क्षेत्रीय जनसभा एवं पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। उद्घोषण के लिए कैलाश लाहौरी की रिपोर्ट। मैंने हमेशा कहा था कि सिवनी पूरा सिवनी का समर्थन अगर रहेगा मैं सिवनी को अपनाऊंगा, छिंदवाड़ा का से जोड़ूंगा। मुझे याद है जब माचा गोरा की योजना बन रही थी, मैंने सबसे पहले पूछा था कि हमारे सिवनी जिले को कितना पानी मिलेगा, कितनी नहरें बनेंगी हमारे सिवनी जिले में। अगर सिवनी जिले का पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा के लोग तो कभी मेरे से नाराज होते हैं कि हमारा पानी तो सिवनी जिले वाले सब ले जाते हैं, पर सिवनी जिला भी मेरे दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। और मुझे दुख है कि जो लाभ माचा गोरा से सिवनी जिले को मिलना था पूरा नहीं मिल पाया। जो नहरें बनी है उनकी हालत भी देखिए, नहरों भी बहुत सारी नहरों की हालत खराब है, सही बात है, टूट गई है, भ्रष्टाचार का वो परिणाम है। और आज सिवनी जिला जो कृषि प्रदाय जिला है, ये औद्योगिक जिला नहीं है, हमारा कृषि प्रदाय जिला है। और कृषि जिला को अगर हम सुविधा साधन नहीं देंगे तो जो किराने की दुकान गांव में चलती है वो भी नहीं चल पाएगी, बाजार तो छोड़िए। ये आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि वह संविधान एक ऐसा देश जहाँ इतनी अनेकता है, इतनी विविधता है, एक ऐसे देश की संविधान बनाए। और उन्होंने संविधान ऐसा बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूरे विश्व में मशहूर है। मुझे दुख है इस बात का कि आज जब मैं यहाँ आता हूँ कैसा सिवनी है, सिंचाई वही सुनी, आज उद्योग वही सुनी, बेरोजगार सिवनी। 11.5 महीनों में हमने अपना नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में, और सिवनी जिले में तो पहली किश्त में 62,000 किसानों का कर्जा माफ किया, क्या कौन सी गलती करी मैंने? मैंने 100 रुपए/यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने गौशाला का निर्माण शुरू किया, 1,000 गौशाले बनवाए, कौन सी गलती करी मैंने? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आप सबके सामने है। और शिवराज जी पूछते हैं 18 साल सरकार में रहने के बाद कि कमलनाथ ने क्या किया। मैंने कहा जो कमलनाथ ने किया ये जनता आपको जवाब देगी, कमलनाथ को आपको जवाब देने की बात नहीं है। और शिवराज सिंह जी अब चुनाव आ रहा है, अपने जेब में नारियल लेके घूम रहे हैं, ये ऐसी घोषणा मशीन बन गई है, ऐसी झूठ की मशीन बन गई है। अब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री केवल नहीं है, वो तो भूमि पूजन मंत्री बन गए हैं, जहाँ जाते हैं भूमि पूजन कर लो। ये शिवराज सिंह जी हिसाब दे आपको आके, हिसाब दे आपको आके, अगर यहाँ कुछ विकास हुआ होता। मुझे मैंने कहा दुख होता है कि कैसा सिवनी जिला उपेक्षित रहा। ये शायद एक जिला है पूरे प्रदेश में जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज एक नहीं है, यह अस्पताल में पूरी व्यवस्था नहीं है। और शिवराज जी विकास यात्रा निकालते हैं, ये तो आप हिसाब यात्रा निकालिए, देखिएगा जनता आपका क्या इलाज करती है। आप आज शिवराज जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं,
और कैसे वो गुमराह करेंगे, कैसे बेध्यान मोड़ेंगे। हमने तो कहा, क्या कहा, अपनी बहनों को कितने रुपए देंगे बताइए, बहनों 1500 रुपए देंगे, सही बात है। कितने गैस सिलेंडर कितने में चाहते हैं, 500 रुपए में हमारी माता और बहनों को हम गैस सिलेंडर देंगे। और 5 महीने बचे हैं शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आईं, 18 साल बाद आपको किसान दिखने लगा, 18 साल बाद आपको अतिथि शिक्षक दिखने लगे, 18 साल बाद आपको आशा उषा कार्यकर्ता दिखने लगे। हमारे सब इससे पहले आपकी आंखें बंद थी। ये प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न सुनी के भविष्य का है, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है। आज हड़ताल, हमारे छात्र हड़ताल में, डॉक्टर हड़ताल में, हमारे संविदा हड़ताल में, अतिथि शिक्षक हड़ताल में, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये तो हड़ताल प्रदेश बन गया है, इतने हड़ताल हो रहे हैं। और आज इन्होंने भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनी है, सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश है। इसीलिए यहाँ कोई निवेश नहीं लगाता देश में, इतना भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार से निपट नहीं सकते। ये आज हमारे नौजवानों का जीवन को डुबा रहे हैं। तो मैं आपसे अंत में ही कहना चाहता हूँ, ये मत देखिएगा कौन उम्मीदवार है, आप भविष्य सुरक्षित रखिए। आज प्रदेश का भविष्य और आपके जिले का भविष्य आपके हाथों में है। भाजपा गुमराह करने आएगी, आपको बहकाने आएगी, प्रचार करेगी, झूठा प्रचार करेगी। शिवराज सिंह तो ड्रामा करेंगे, हर प्रकार का ड्रामा, उनका कोई कार्यक्रम बिना ड्रामा के नहीं होता। मैं तो उन्हें, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने बाद हमारे सिवनी जिले के चारों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सिवनी के उड़ेपानी ग्राम पर आज माननीय पूर्व मंत्री कमलनाथ जी का आगमन हुआ और कुछ ही देर पहले यहाँ पर से आगमन जी का प्रस्थान हो चुका है। उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ बोला है, देखिए। मैं हूँ उद्घोष समय न्यूज़ से कैलाश लाहौरी।